दिया तुमरे बिना तड़पित है खाली खा से परेशान हो रहा बचरा हमे खुद सुख से नाई काट पाए मोरा लालो हमें मैंने कोई मांग उनसे नहीं रखी सिर्फ इतना कहा कि हमको सीबीआई पहली जांच तो हमको सीबीआई जांच करवा दीजिए। योगी जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने कहा सीबीआई जांच करा दीजिए और उनके नाम से राजापुर चौराहे पे एक प्रतिमा उनकी बनवा दीजिए और मेरे गांव को समग्र कर दीजिए क्योंकि पूरे ग्राम सभा का हर जात हर समाज का हमको पूरा सहयोग मिला था। इलेक्शन में एक वोट नहीं पड़ा था हर कौम का, तो इसलिए मैं चाहता था कि मेरे गांव को समग्र कर दिया जाए। बस तीन मांगे हमारी मेन थी। मैंने कोई ऐसी मांग नहीं रखी कि मुझको नौकरी दीजिए, पैसा दीजिए, कुछ दीजिए। मैंने कहा उनकी याददाश्त के लिए एक प्रतिमा बना दीजिए। कोई पूरी हुई? कोई पूरी नहीं हुई। आज 6 महीने हो गए। योगी जी ने सब तरीके से उस पर ध्यान दिया, सब तरीके मालूम पड़ा कि अब सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से नकार दिया कि जैसे अब आप हम कुछ नहीं कह सकते हैं इन सरकारों के बारे में। सर भैया, इनके दिमाग में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या हो रहा है क्या? बरेली में गो हत्यारों की गोली का शिकार हुए दरोगा मनोज मिश्रा के परिजन दुखी हैं। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, परिवारीजन शोक मना रहे हैं, लेकिन सरकार के रवैये से कहीं न कहीं आहत भी। परिवारीजन कह रहे हैं कि बेटे को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे, उनकी सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये लड़ाई जारी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी के हरदासपुर गांव से प्रशांत पांडे, ईटीवी भारत के।